जिस घर में हमेशा बच्चों के कहे कहे गुंजा करते थे, आज कैसी दर्दनाक खामोशी है। माँ, तेरा बेटा आज बहुत खुश है। तू जानेगी तो खुशी से फूली नहीं समाएगी। बहुत खुश है। तू जानती है आज कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी और तेरे बेटे ने क्या स्पीच दिया पता है? क्या स्पीच दी तुमने? तू सुनेगी? हाँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, उस बात का श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है और वो है मेरी माँ। आई लव यू माँ। थैंक यू। अगर इस दुनिया में भगवान है और धरती पे उसका कोई रूप है तो वो मेरी माँ है। ये क्या माँ? आप जानती है ना कि आपको ठंड कितनी जल्दी लगती है? खुद के लिए इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है। डोंट फील बैड। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, पर मैं अपना ख्याल क्यों रखूँ जब मेरा ख्याल रखने के लिए इस घर में मेरा बेटा जो मौजूद है, जब जरूरत होगी आके मुझे शॉल उड़ा देगा और आकर डांट भी देगा। मुझे पता है तुम अपनी माँ को शॉल उड़ाने जरूर आओगे। तुम्हें आना ही होगा महेश। महेश, पूजा और पाठ में ही मग्न रहे। पीछे बत्ती और बच्चों का चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी बला से सारे पुण्य आपको खुद ही कमाने हैं। ऐसा नहीं कि पत्नी को कहीं दूर घुमाने ले गए, पत्नी के लिए तो आपको फुर्सत ही नहीं है। भावना, माँ आपके बारे में सोचने के लिए आपका ये बेटा है ना, मैं आपको लेकर जाऊंगा चारों धाम की यात्रा पर। है? हाँ, और फिर जो पापा पूजा पाठ करके पुण्य कमाते हैं ना, उससे ज्यादा पुण्य आपके हो जाएंगे। लेकिन माँ, आप पापा की पूजा पाठ में रोक टोक मत किया कीजिए। वो कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं, बस पुण्य ही कमा रहे हैं। और जहाँ तक आपका सवाल है, आपका ध्यान रखने के लिए आपका ये श्रवण कुमार है। मेरा बेटा। देख बेटा, मैंने तेरे पापा को पूजा पाठ करने से नहीं रोका, अब तो मुझे ले चल चार धाम की यात्रा पर। देख, तूने मुझसे वादा किया था, तूने कहा था कि तू मेरा श्रवण है। चल चल बेटा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। वापिस आ जा बेटा। तीनों महारानियां ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उनके बेटों को कुछ हो सकता है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि किसी एक बेटे के जीवित होने का मतलब है बाकी दो बेटों की मौत। और आप तो जानते हैं ना मिठी बा, कि उनकी ममता उनके आपसी रिश्ते से बढ़कर है, और अब तो ऐसे हालात में ये ममता दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। मुझे तो ये कुछ आने वाले तूफान के संकेत नजर आ रहे हैं।
तो बेकार ही परेशान हो रही है। ऐसा दिन कभी आएगा ही नहीं। ईश्वर ने जब गोपू के पिता को उसे छीन लिया था, तब मुझे सहारा देने के लिए उसने एक भरा पूरा परिवार मुझे छोड़ दिया था। लेकिन मेरे परपोतों के साथ वो ऐसा करके मेरे परिवार के भविष्य को, आस्था को ऐसे मार नहीं सकते। ईश्वर इस बुढ़िया के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं? वो है सुनंदा, वो है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि वो जिंदा नहीं है। तू देखना देखना सुनंदा, एक दिन जैसे इस घर से वो हंसते मुस्कुराते गए थे ना, वैसे ही घर वापस लौटेंगे। ईश्वर को उन्हें लौटाना ही होगा। हाँ, लौटाना ही होगा। इस बुढ़िया की बात तुम टाल नहीं सकोगी माँ। और उसे अनजाने में ही सही, और तुमने मुझे जन्मों के बंधन में बांध दिया था। ये काम मुझसे ईश्वर ने करवाया था, क्योंकि ईश्वर चाहते थे कि हम दोनों एक साथ उस धागे की तरह जन्म जन्म के बंधन में बन जाए। तो फिर ईश्वर से कहो कि ये उन 7 जन्मों में से सबसे पहला जन्म हो। समीर, मैं ये तो नहीं जानती कि तुम कहाँ हो, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुम जिंदा हो और सही सलामत हो। मैं तुम्हारी धड़कनों को अपनी सांसों में महसूस कर पा रही हूँ समीर। मैं जानती हूँ तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी बिंदिया, तुम्हारी पगली बिंदिया तुम्हें बहुत याद करती है, तुम्हें बहुत याद करती है रोहित, तुम्हें बहुत याद करती है। मैंने और महेश ने जन्म जन्म तक साथ रहने का वादा किया था। आपको तो पता है ना माँ, मैं अपने महेश के बिना नहीं जी सकूंगी। ये मेरा विश्वास है माँ कि आपको ये चुनरी ओढ़ाने से मेरा सुहाग हमेशा सलामत रहेगा। अब आपको मेरे सुहाग की रक्षा करनी ही होगी माँ, करनी ही होगी। आपकी बेटी आपकी कसम खाती है माँ, जब तक मेरा महेश वापस नहीं आ जाता तब तक मैं ना तो कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी।
लीजिए। आप हमेशा कहते हैं ना कि हवन और पूजा में बहुत शक्ति होती है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे बेटे के लिए हम लोग इस घर में हवन करें। हो सके तो आज शाम तक हवन की व्यवस्था कर दीजिएगा। ईश्वर ने तुम्हारे मन में हवन के लिए प्रेरणा दी है तो सही होगा। आओ। हे ईश्वर, मेरा डर सच तो नहीं होने जा रहा? अपने बेटे की सलामती में दूसरे के बेटे का नाश है। जिस दिन इनमें से किसी एक को ये बात चुभ गई तो। सुनिए, मैं चाहती हूँ कि अब हम अपने बेटे की सलामती के लिए गरीबों में कंबल और खाना बांटें। वैसे भी कहते हैं ना कि गरीबों के दिल से निकली हुई दुआ भगवान जल्दी सुन लेता है। कहाँ? कुकी, कुकी, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अभी 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 मैं यही सोच रहा था सेम टू सेम। सुनिए जी, क्यों ना आज शाम हम शनि मंदिर में जाकर अपने बेटे के लिए आरती करवा कर आए। मैंने सुना है कलयुग में शनि देवता ही सबसे पहले अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। सुना तो मैंने भी है हिंदू। हम आज शाम को ही शनि मंदिर में आरती के लिए जरूर चलेंगे। भावना, अगर ये हवन अकेले रोहित के लिए कर रही है तो फिर बाकी दोनों महारानी को बहुत बुरा लगेगा और ऐसे वक्त में भी तनाव शुरू हो जाएगा। सूर्याय ज्योतिर्स्वाहा, अग्निर्ज्योतिर्स्वाहा, अग्निर भाभी, अग्निर ज्योतिर्स्वाहा। एक मिनट भाभी, आइए भाभी, हम सब मिलकर ये हवन करते हैं। ये हवन मैंने सिर्फ रोहित के लिए नहीं बल्कि हमारे तीनों बेटों के लिए रखा है। हम लोग भी अभी शनि मंदिर से तीनों बेटों के लिए आरती करवा के आ रहे हैं। हम भी अभी अभी गरीबों में कपड़े और खाना बांटकर आए हैं हमारे तीनों बेटों के लिए। चलिए भाभी, आइए भैया। देखा कैसे दुख के इन पलों ने सारे घर को एक कर दिया। परिवार का यही अर्थ होता है गोपू। घर में हम कितने ही लड़े झगड़े पर मुसीबत में संकट का सामना करने के लिए हम सब एक हो जाते हैं। हाँ मीठी बा, घर की एकता का तभी पता चलता है जब घर पर कोई मुसीबत आती है। ईश्वर की असीम कृपाएं हम पर जो ऐसे संकट की घड़ी में भी हम सबको एक सूत्र में बांधे रखा है। बस अब यही प्रार्थना है कि ईश्वर हम सबको हमेशा एक बनाए रखे। शमलं।
तुम्हारे हाथ से भागना नहीं चाहिए। ढूंढो उसे, चलो। इतनी हड़बड़ में क्यों है? माल अफड़ा हो गया, आप बस प्रार्थना करो कि पुलिस यहां पहुंचने से पहले हम यहां से निकल जाए। हमें यहां से कहीं दूर जाना होगा, हमें जल्द से जल्द यह जगह छोड़नी होगी। तो इसमें कौन सी नई बात? मैंने बहुत बड़ा आत्मा रहा, जब तक पूरे शहर की पुलिस अलर्ट हो गई होगी। वाला मुआ, एक तो ये घर गिर भी, ऊपर से जितना पैसा था हमारे पास सब खत्म हो चुका है। इधर बैठ, बैठ। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो इतना बड़ा हाथ मार दिया। लेकिन मैंने तुझे समझाया था कि नहीं, कि जो करना है कर, लेकिन पुलिस से बच के कर। लेकिन तू वाला मुआ मेरी बात सुनता कहाँ है? बात बात जल्दी करो, कपड़े पैक करो, जाने की तैयारी करो। अगर आज रात हम यहाँ से नहीं निकले तो कल सुबह जेल में होगी। आपको तो पता है ना, वो बैंक की फ्रॉड वाली केस। ए बाबा, ए वाला मुआ, वो बैंक वालों का नाम मेरे सामने मत ले। अभी भी वसूली के लिए इधर चक्कर काटते, और तूने वो पैसा कैसे पानी की तरह बहा दिया था। ओफो, बस करो माँ। अरे बस करो, अब ये सब सुनाना यहाँ पे जरूरी है? ये सोचो कि हम जाएंगे कहाँ। पिछली बार जब पुलिस पीछे पड़ी थी तो हम तुम्हारे गांव के चाची के पास गए थे, इस बार कहाँ जाएंगे? अहमदाबाद। ये ले जो। हाँ, अहमदाबाद। अरे गोपाल दादाजी के घर पे मेरी मासी है ना सुनंदा, उसके घर मीठी भमेंसन में उनके पोते मर गए, उसी बहाने हम उनके घर में घुसेंगे और जब तक पुलिस वाला मामला ठंडा नहीं हो जाता वहीं पर रुकेंगे, समझा? वाह माँ, क्या आइडिया दिया। अरे तू रुक तो सही। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां के लिए मेरे दिमाग में बहुत जबरदस्त प्लान है, और अगर मेरा प्लान कामयाब हुआ ना तो समझ ले कि हमें वहां से निकलने की जरूरत ही नहीं पड़े। मैंने बहुत दूर की सोच के रखी है, समझा ना? बस तू देखता जा वाला हुआ।